नमस्ते जी, आज हम बनाएंगे राजमा। सबसे पहले हमने राजमा को एक घंटा पहले भिगो दिए हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्चा और टमाटर। गरम कर लिए, इसमें 4 चम्मच बड़े तेल डाल। गरम हो गया, इसमें जीरा और तेजपत्ता का हम तड़का डालेंगे। इसके बाद दो चम्मच प्याज को डालेंगे। प्याज लाल हो गया है, देखिए पिंक कलर का हो गया है। अब इसमें हम गरम मसाला जो बना के रखते हैं उसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब इसके बाद हमें जो टमाटर प्यूरी बना के रखे हैं उसको डालेंगे और इसको भी 2-3 मिनट तक भून लेंगे। देखिए अब हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इस मसाले में अपना राजमा जो उबाल के रखे हैं उसको डालेंगे। अब इसमें नमक हम राजमा में पहले डाले थे, थोड़ा नमक और डालेंगे, नमक और डालेंगे। देख लेंगे कि उसमें ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा और पानी डालेंगे। ज़्यादा क्योंकि राजमा गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा इसमें और पानी भी डालेंगे। अब हम सीटी लगा देंगे, 1 सीटी।